हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर, देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर। नमस्कार, मैं हूं टीना, जननायक, आप सबका स्वागत है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बिलों को पेश किया है और कानून में बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे और देश में भी लागू हो जाएंगे। क्या तीनों कानून क्या है यह भी आप जान लीजिए। पहला कानून है न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य बिल पारित किए गए हैं। इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर दो सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। इस कानून से राज्य द्रोह अब देश द्रोह के अंदर बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, आज भारत को अपना नया आपराधिक न्याय कानून मिल गया है। इसे गौरव क्षण पर सभी भारतीयों को उन्होंने बधाई भी दी है। उन्होंने कहा यह कानून नागरिकों अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिला बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। संसद में पारित तीनों विधेयक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे और बरसों पुराने स्वदेशी न्याय प्रणाली के सपने को पूरा करेंगे। नई कार्य प्रणाली पारदर्शी और जल्दी न्याय देने के लिए आधुनिक तरीके से सशक्त होगी। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। माननीय लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं। माननीय, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर दो सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। माननीय, क्या होगा इस कानून से, मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर समाहित किया जाए। इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपल्सरी किया है जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी, आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी।
मान्यवर पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी वो, आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। माननीय जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। माननीय जो पूछते हैं इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। माननीय रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया, बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। माननीय हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। तो आप ऐसा देख रहे हैं जनक, देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।